नमस्कार, जय भीम, जय भारत। दोस्तों, मेरा नाम सुमित और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक पे। गाइस, आज की इस वीडियो में आपको मैं एक ओपिनियन पोल बताने वाला हूँ। ओपिनियन पोल सोच के आप डरा मत करिए। आपको लगता होगा कि हर ओपिनियन पोल गलत है या फिर इसमें घालमेल होता है, कि सच है भाई, होता है। लेकिन अभी मैं कुछ दिनों से कुछ वेबसाइट्स देख रहा हूँ जिसमें अपन लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, हम लोग मान सकते हैं कि कुछ वेबसाइट हमारे लिए भी कुछ छापती है। और वाकई ही इन वेबसाइटों में बीएसपी का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों पिछले 2-3 महीनों से प्री पोल सर्वे, प्री पोल ओपिनियंस लिए जा रहे हैं। कुछ लोगों के बीच में जाकर, कुछ विधानसभाओं में जाकर, कुछ लोगों से मिलकर ये सर्वे किया जाता है। फिर सबका डाटा एक जगह इकट्ठा कर इसका एवरेज निकाला जाता है कि भाई क्या निकल रहा है। तो ऐसे कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं। हालांकि आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो लगातार जो भाजपा है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, वो जिसका ग्राफ बढ़ रहा था, जैसे माना जा रहा था कि योगी जी इस बार 350 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे, लेकिन अब वो सीटें लगातार गिरती जा रही है। आज से एक साल पहले योगी जी को लोग इतना पसंद कर रहे थे कि 310 से 320 सीटें दे रहे थे, लेकिन अब लगातार वो ग्राफ गिरते जा रहा है। समाजवादी पार्टी को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं और उनका ग्राफ 50-60 सीटों से ऊपर जा रहा है। वही बहुजन समाज पार्टी की बात बता दूं, जिसको पिछले विधानसभा चुनाव में केवल 19 सीटें मिली थी, अब उसका भी ग्राफ 10-20 सीटों से ऊपर जा रहा है। यानी कि यहाँ पर कुछ बहुजन पार्टी है, कह सकते हैं अखिलेश यादव जी की पार्टी भी बहुजन पार्टी ही है। दोनों पार्टियों का ग्राफ ऊपर जा रहा है और वही भाजपा का ग्राफ नीचे आ रहा है। आने वाले समय में हो सकता है, जब तक आचार संहिता लग जाए और चुनावी रैलियां शुरू हो जाए, हो सकता है कि ये ग्राफ ऐसे जाए और दोनों ग्राफ ऊपर जाए और ये रेस में भाजपा छूट जाए और दोनों पार्टी आ जाए। हो सकता है कि गठबंधन की नौबत भी आ सकती है, फिर देखते हैं क्या होता है। हालांकि अभी तो बसपा ने किसी के साथ गठबंधन किया नहीं है। मैं कुछ सर्वे आपको बता देता हूँ। देखिए, सर्वे के हिसाब से अभी भी भाजपा को काफ़ी ज़्यादा सीटें मिल रही हैं। उसको 200 से ज़्यादा सीटें मिल रही है, जो बहुमत का आंकड़ा माना जा रहा है। 403 विधानसभा सीटें हैं उसके हिसाब से, तो अभी भी भाजपा को कम से कम 220 से ज़्यादा सीटें मिल रही है। लेकिन आज से 1-2 महीने पहले यही सीटें 220 नहीं थी, 250-300 से ज़्यादा थी, 300 करीब थी, लेकिन अब 220 पर आ गई है। वही जहाँ पर 117-120 सीटें मान के चल रहे थे कि अखिलेश यादव जी की मिलेगी, वही अब वो 140-150 के पार जा रहे हैं। ये कुछ मैं अपना भी एवरेज लगा रहा हूँ। और वही पिछले विधानसभा चुनाव में जहाँ बसपा बहुजन समाज पार्टी को केवल 19 सीटें मिली थी, अब वही बहुजन समाज पार्टी 35-40 सीटों पर जा रही है। हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी इतनी आगे इसलिए बढ़ रही है, 10-20 सीटों का फायदा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने कई सारे ब्राह्मण सम्मेलन, कई सारे जातियों के सम्मेलन, और जिस प्रकार से सोशल मीडिया का उपयोग कर रही है बसपा, इससे फायदा हो रहा है पूरी बसपा को। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहता था कि बसपा का ग्राफ गिर नहीं रहा है, बसपा का ग्राफ बढ़ रहा है और अभी 20-25 सीटों को लेकर बड़ा है उसका ग्राफ। 1940 सीटों पर आई है बसपा। प्री पोल सर्वे है, ओपिनियन सर्वे है उसमें, लेकिन आगे क्या होगा, सब कुछ जानने के लिए, सब कुछ देखने के लिए भारत दस्तक को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाइए और हमारे मेंबर बन जाइए और देखता रहा करिए भारत दस्तक, बहुजनों की हर खबर आपके घर तक।